स्टार राकेश किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको हम आलू बैंगन बनाना सिखा रहे हैं। देखना, हमने छोटे छोटे बैंगन लिया है, इसमें चीरा लगा रखा है। ये इस तरीके से चीरे लगाने हैं। और ये हमने आलू ले रखा है, ये हमने प्याज ले रखा है, ये हमने टमाटर ले रखा है, हरी मिर्च है और लहसुन है। पहले हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। अब हम इसमें बैंगन फ्राई करेंगे। थोड़ा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम बैंगन डालेंगे। इस तरीके से बैंगन डालना है। इसे 10 से 15 मिनट हमने फ्राई करा है इसे बैंगन को। ये देखना, हमारा बैंगन पक गया है। अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, तेल ना आए। इस तरीके से एक बर्तन में निकाल लें। अब हम आलू को भी फ्राई करेंगे। आलू थोड़ा थोड़ा ऐसे डालें। इस तरीके से आलू डालने सारे। देखना, ये बीच बीच में हिलाते रहें आलू को, थोड़ा ब्राउन हो जाए। अच्छी तरह से पका लें इसे आलू को। देखना, ये आलू हमारा अच्छी तरह से पक गया है और ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरीके से एक बर्तन में निकाल लें। और इसके बाद हम मसाला बनाएंगे आलू बैंगन के लिए। अगर चम्मच चाट मसाला हम यूँ करके आलू पे भुरभुरा देंगे। छोटे चम्मच से आधे चम्मच चाट मसाला हम बैंगन पे भी डाल देंगे। इस तरीके से बैंगन पे भी छिड़क दें। हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। हमने लहसुन डाल दिया। थोड़ा हम जीरा डालेंगे आधा चम्मच। लहसुन हमारा थोड़ा ब्राउन हो जाए। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। पाँच 10 मिनट तक भूनेंगे। देख रहे हैं, यह हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर भी डालेंगे। ये देख रहे हैं, एक कटोरी हम टमाटर डाल दें। अब इसमें हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार आप नमक डालिए। अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे, 5 मिनट। इसमें पानी हम डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल रहे हैं। छोटे चम्मच से आधे चम्मच हम हल्दी डाल लें। छोटे चम्मच से आधा चम्मच गरम मसाला डाल लें। 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हम देगी मिर्च डाल रहे हैं छोटे चम्मच से। स्वाद अनुसार मिर्ची डालें। दो गिलास इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसे ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाएंगे। देखना मेरे दोस्तों, ये मसाला हमारा पक गया है। अब आलू डालेंगे। पहले बनाना बहुत ही आसान है, एक बार ज़रूर ट्राई मारें। ये हमने आलू डाल दिया। अब इसमें हम बैंगन भी डाल देंगे। ये हमने बैंगन भी डाल दिया। अब हम इसे 5 मिनट तक पका लेंगे।
हमने पका लिया। अब हम इसमें हरी धनिया डालेंगे। दो से तीन मिनट ये धनिया पका लें, फिर उसके बाद हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे बैगन तैयार हो गया है, और इस तरीके से बनाना है। आलू बैगन को हम एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाल लें आलू बैगन को। ये हमारा आलू बैगन की सब्जी तैयार हो गई है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।